के कोटी मीना बाजार मैदान पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बड़ी संख्या में भीड़ पीएम मोदी को सुनने को पहुंची। सुबह से ही पीएम मोदी के प्रशंसकों की भीड़ का कोटी मीना बाजार मैदान पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोपहर बाद कोटी मीना बाजार मैदान पूरा भर चुका था। हजारों की भीड़ मैदान पर मोदी के जयकारे लगा रही थी। इस दौरान रैली में कोई पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आया था तो कोई गदा लेकर हनुमान बनकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता नजर आया। ऐसे में युवाओं में भी पीएम मोदी के प्रति खासा जोश दिखाई दे रहा था। इस सबके बीच युवतियों में भी मोदी के प्रति क्रेज कम नहीं था। मोदी की दीवानी कुछ युवतियां अपने चेहरे पर भाजपा का कमल निशान भगवा रंग में बनाकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। भीड़ के आकर्षण का केंद्र बनी इन युवतियों का कहना था कि वो हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मैदान पर आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रवणों को 10% आरक्षण देने पर शुक्रिया अदा किया है। मैं मोदी जी को देखने आई हूँ लाइव और मैं ये 5 साल के बाद आ रही हूँ। पहले इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उस टाइम भी मैं आई थी और मैं इस टाइम भी आई हूँ उनको लाइव देखने के लिए। 5 मिनट हार्डली 5 मिनट बिल्कुल आज के लिए नहीं, पहले से मैंने नहीं सोचा था क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जैसे मुझे कल पता चला कि मोदी जी आगरा में आ रहे हैं तो मैंने कल से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या उम्मीद रखती हो मोदी जी से? मोदी जी से जॉब की उम्मीद रखती हूँ क्योंकि मेरा अभी तक कहीं नंबर नहीं आया एक्चुअली में सीए। और कल जब उन्होंने आरक्षण की बात करी है जनरल के लिए तो इससे मैं बहुत सहमत हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मैं मोदी जी को सुनने आई हूँ। मोदी जी से उम्मीदें तो बहुत सारी हैं जिसकी उन्होंने लेडीज के लिए भी बहुत कुछ किया है, उनकी सुरक्षा के लिए, और उन्होंने किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है, और जनरल वालों के लिए कल उन्होंने 10% जो आरक्षण दिया है वो भी बहुत अच्छा किया उन्होंने। और मतलब इनसे जॉब वगैरह की उम्मीद रखते हैं सारे। मैं एक्चुअली मेरे पास मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मैं नीट मतलब डॉक्टरी लाइन में कोई जॉब चाहूँगा।